बस ऐसे बाबा की पिताजी की भक्ति थी कि तुम मेरा है इतना मैं सुनना चाहता हूँ, ऐसे प्रार्थना करके पिताजी कुरला में पहुंचे। 7 दिन के बाद में सोमवार के दिन 10:30 बजे पिताजी सोने की तैयारी कर रहे थे, इतने में हमारे बालकनी में वी हैड तीन रूम लाइन में खड़े थे और बड़ी वैसे बहुत बड़ी बालकनी थी, तो बीच के रूम में बाबा का फोटो था और उसी दरवाजे के ऊपर आके चिल्लाने लगे, डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर। तो पिताजी ने दरवाजा खोला तो गवनकर जी एक मिनट, लेट मी शेयर विद यू ऑल द पिक्चर दैट गवनकर जी जस्ट रेफर्ड टू दिस, ओके, सो दैट वी कैन पुट द दिस इज द पिक्चर गवनकर जी। ये जो पिक्चर है ये हाँ. जैसे ही आप घर पे वो चौल जो मैंने दिखाई थी बालकनी में, जैसे ही एक दरवाजा है वहां आप एंटर करते हो तो यू विल सी दिस सामने पिक्चर। इसकी भी एक स्टोरी है जो गवनकर जी बताएंगे। इसी पिक्चर के सामने दरवाजा है जहां पर गवनकर जी कह रहे हैं कि उनको नॉक, ही हर्ड द नॉक, डॉक्टर डॉक्टर एट 10:30 PM, इट वॉज विंटर्स आई थिंक इन जनवरी, गवनकर जी राइट, इट वॉज विंटर्स वेरी कोल्ड इन मुंबई at night, that's where he heard it. Okay, sorry, go keep going. Yeah. तो पिताजी ने देखा एक फकीर दरवाजे पे खड़ा है और चिल्लाने लगा, हमको भूख लगी है, खाना खिलाता है या मैं जाऊँ? तो पिताजी बोले, शांत रहिए, आप बैठो, आराम कीजिए, मैं घर में खाना बनाने के लिए बोलता हूँ। और पिताजी ने मेरे माँ को बोला कुछ चपाती चटनी बना ले। और फिर सामने जो बालकनी में वो फकीर बैठा में, उसमें जो पोजीशन बाबा की फोटो में जैसे है, एक पैर ऐसा साथ में लेने का, वही पोजीशन में बैठे थे और पूरे बदन पे ऑरेंज कलर का एक कपड़ा था और एक कपड़ा हाथ में उनको ग्रीन कलर का था, उन्होंने पैर के ऊपर रखा था, वो पैर दिखाते नहीं थे। तो जब भी वो उन्होंने शुरुआत किया, तभी उन्होंने शुरुआत से बात किया, ये सब पूरा स्टोरी बुक में पिताजी ने लेटर के रूप में लिखी है, वो इसमें से थोड़ा थोड़ा कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो शुरुआत में किया कि मैं बाबा जैसे बोलते, उन्हें बोला मैं तुझे शिरडी में द्वारका में मैं देखा, मैं लड्डू खाए, मेरी माँ द्वारका में बोली लड्डू खाए जा, उससे बात करके आ, इसके लिए मुझे आना पड़ा, वो उन्होंने बोल के दिखा दिया। तभी उनके हाथ में एक चिलिम थी, तो बोले कि चिलिम एक ही है और चिलिम में जो तंबाकू है वो अलग अलग होता है, इसका मतलब क्या होता है कि हम जो तत्व जो है एक ही है, बट देर आर डिफरेंट वेज टू रीच दैट तत्व, अलग अलग रास्ते से तुम वहां पहुंच सकते हैं। फिर वो बोले कि अपन तंबाकू एक ही करने का, जो रास्ते से जा रहे वही रास्ते से आप जाओ तो तुम वो रास्ते में आगे पहुंच सकते हैं, एक रास्ता छोड़ के दूसरा रास्ता पकड़ो और छोड़ के दूसरा रास्ता आगे करने का जरूरत नहीं है। बाद में उन्होंने बहुत से उन्होंने इंसिडेंट बता दिए। जब पिताजी को बोले तू, पिताजी बोला आप साई बाबा है, तो मैं बोला मैं साई बाबा नहीं हूँ। बातें करते करते उन्होंने बोला कि स्नान 4 कसम की है, वायु स्नान, भस्म स्नान, भागीरथ स्नान और वायु स्नान भस्म स्नान भागीरथ स्नान और एक चौथा कौन है, तो वायु स्नान मैं वायु स्नान करता हूँ और आप लोग भागीरथ स्नान करते हैं, और अग्नि स्नान वायु स्नान भागीरथ स्नान और भस्म स्नान, तो ये 4 स्नान उन्होंने बता दिया। और बोले कि आप भागीरथ स्नान करते हैं और मैं वायु घूमते रहता हूँ, मैं हवा में घूमते रहता हूँ और मैं वायु स्नान करता हूँ, ये उनके वर्ड्स है। बाद में बोले कि हमारे जो पंजा है उसको 5 अंगुली है, तो उसमें बोला कि उन्होंने बोला जो अंगूठा है वो अंगूठा पृथ्वी तत्व है, बाजू का जो ये फिंगर है वो बोले सदगुरु तत्व है, बाद में ब्रह्मा विष्णु और महेश ऐसे 5 उंगलियां का उन्होंने नाम बता दिया। और बोले 5 उंगलियां पकड़ के जो खाना खाने का है 5 उंगलियों से खाना मांगता है तो गोविंद हो जाता है, यानी अब हम खाते हैं तो पूरी 5 उंगलियां में अपना खाना नहीं होता है, 3-4 उंगलियां लेके हम मुंह में डालते हैं, तो उन्हें बोले 5 उंगली पकड़ के पूरा खाना अपने मुंह में जाना चाहिए। ऐसे बहुत रात बात तक करते मैं थोड़ा जो जैसे आप याद आते बताता हूँ। बाद में क्या हुआ, पिताजी बैठे थे, पिताजी के हाथ में 2 अंगूठियां थी, एक शनि की अंगूठी और एक साईं बाबा की अंगूठी थे। बातें करते करते वो चिल्लाए कि हाथ में से है तो निकाल डाल,
तभी पिताजी ने कुछ किया नहीं, वैसे चुप बैठे। तो फिर वापस आधा घंटे के बाद चिल्लाए, हाथ में जो डाला है निकाल। तो पिताजी ने क्या किया, शनि की अंगूठी निकाली और बाबा की अंगूठी वैसे ही उंगली में रख दी। तो जोर से चिल्लाए, वो निकाल बाबा क्या खिलौने हाथ में डालने के लिए, गले में डाल। बाबा की जगह उन्हें बताया गले के पास है, हृदय के पास है, अपने हाथ के पास है। तो अंगूठी पहनना अपना गलत होता है, अंगूठी पहन के बाबा की क्या होता है, वो पायस नहीं होता है। किधर भी हम टच करते क्या कुछ भी करते उसका पवित्र रखा नहीं जाता है। बाद में उन्होंने बहुत से बातें किया, फिर जो सामने बैठे थे लोग उनको पूछा कि उतने में क्या हो गया। मेरे माँ ने चपाती और चटनी लाके उनके सामने रखी। वो रखने के बाद में उन्होंने हर एक चपाती का एक एक टुकड़ा चार टुकड़े करके हर एक के सामने चपाती में चटनी डाली और जब जेब में से उदी निकाली और उदी डाल के हमारे सबको हाथ में दे दिया, आप खा लो करके। हम हमारे सब में दिया हो तो पिताजी बोले बाबा आप नहीं खाते, तो वो बोले आप खाओ, आप खाएंगे तो मेरा पेट भर जाता है। ऐसी बातें करने के बाद में उन्होंने कुछ खाया नहीं और बाद में पानी पिए। पानी पीने के बाद में उन्होंने डकार दिया, बोलो और बोले देखो आपने खाना खाया मेरा पेट भर गया। ऐसी बातें करके फिर बाद में जो लोग सामने बैठे थे उनको पूछा तेरा नाम क्या है, वो बोला मधु। दूसरे को पूछा मेरे भाई को तेरा नाम क्या है, दीनू। हाँ आपको नाम दिया है लेकिन मेरे माँ ने मेरा नाम ही नहीं रखा है, मुझे मालूम भी नहीं है। आप सबको नाम है लेकिन मुझे नाम क्या है मुझे मालूम ही नहीं, मेरे माँ बाप ने मेरे माँ ने मेरा नाम दिया ही नहीं है। ऐसे बातें उन्होंने की और पूरी रात भर वहाँ गैलरी में बैठे थे। तो करीब बीच में करीब दस मिनट के बाद में आ गए। तभी उसमें क्या हो गया, जब खाने हम खाने के लिए बैठे थे तभी उन्हें बोला जरा रुको और दो आदमी चपाती और चटनी खाने को दे दी। फिर बाद में मेरा दूसरा भाई था वो झूठ बोल के इंटरेंस हाइस में दो बार फेल हुआ था और पिता घर में बताया नहीं था कि ड्रामा में काम कर रहा था। तो तभी उन्हें बता के दिखा कि देखो झूठ नहीं बोलना, सब कुछ सच बोलना, लेकिन जो झूठ बोलता है उसके साथ में झूठ बोला चलेगा लेकिन हमेशा सच बोलना। फिर बोले आप साईं बाबा की सेवा मत करो। तो फिर बोले क्या करे, आप माँ बाप की सेवा करो, जिसको माँ बाप नहीं है वो साईं बाबा की सेवा करे। फिर वैसे बहुत बातें किया। फिर बोले बाबा भी नहीं, वो दगड़ धोंडे खाए, बाबा ने बहुत सीढ़ी में तकलीफ हुआ। ऐसे करके पूरी रात भर जहाँ बैठे थे, करीब 5 बजे मेरे पिताजी अंदर के रूम में बाबा का जप कर रहे थे तो मेरे बड़े भाई के बोले वो मेरा ही नाम ले रहे करके, मेरा ही नाम ले रहे। उसके बाद में करीब 7-8 बजे तक पिताजी उधर से आगे बाहर आके गए और बोले बाबा आपने कुछ खाया नहीं। माँ ने पूछा बाबा आपने कुछ चाय भी नहीं लिया, तो बोले मैं चाय नहीं पीता। बाबा बोले आप दूध ले लो, बोला मैं दूध भी नहीं पीता। कुछ लिया भी नहीं उन्होंने। और बाद में वो खड़े हो गए और बाद में बालकनी कॉर्नर पे गए तो चेहरे पे जो उनका फड़का था वो झट से हटा दिया और पिताजी को बोले दर्शन ले मेरा। तो पिताजी ने उनका दर्शन ले लिया और हमारा घर फर्स्ट फ्लोर पे था और वो नीचे कभी गए किधर गए पता भी नहीं चला। एक घटना हमारे घर में हुई थी, आई नो दैट इंसिडेंट, आई वॉज 5 years old और मैंने वो आके फकीर आके बैठा था उन्हें, लेकिन जो बातें मुझे याद नहीं है क्योंकि जो पिताजी ने लिखी तभी मुझे समझ में आ गया उन्होंने क्या क्या उपदेश किया करके। वेरी नाइस गवनका जी। एंड गवनका जी, डू यू वांट टू शेयर अबाउट अन्ना साहिब गवनका जी? ही वाज लाइक यू नो शिरडी साइंस संस्थान प्रेसिडेंट एंड ड्यूरिंग दैट टाइम idol was Baba's idols was installed, Pran Pratishtha, and how he got late and Dev Baba did the Pran Pratishtha. Go ahead. वो श्री साई संस्थान के प्रेसिडेंट है और तभी उनको डिसाइड हुआ कि बाबा की फोटो की जगह में हम बाबा की एक मूर्ति की स्थापना करेंगे। जब भी ऐसे बातचीत हो गई तभी कमेटी में बातचीत चलती थी और फिर बोलो वो इटालियन मार्बल मंगा लिया, उसका ऑर्डर दे दिए, हमने चिट्ठी डालेंगे और जिसका नाम आएगा उसको हम काम देंगे।
इसमें में वो तालीम जी का नाम आ गया और तालीम जी को काम सौंपा दिया कि आप बाबा की मूर्ति बना दो करके। और फिर क्या हुआ कि पिताजी का दवाखाना लालबाग एरिया में था और तालीम जी का स्टूडियो ग्रैंटोड एरिया में था, हार्डली 2-3 किलोमीटर का रास्ता था। तो दोपहर में पिताजी डेली जाके कैसे काम चल रहा है देखते थे। मुझे याद भी है कि मैं भी एक बार पिताजी के साथ में उस स्टूडियो में गया था। कैसे याद हुआ कि तभी मैं 5 साल का था और उस स्टूडियो में जाने के बाद में मैंने बहुत से बट दिखे थे, नेहरू जी का था, गांधी जी का था, लोकमान्य तिलक जी का था, सुभाष चंद्र बोस जी का था, वो मेरे पूरा ध्यान में था। उसके बाद में करीब 40-50 साल के बाद में जब दिल्ली से कोई लोग आए थे उनको वहां जाने का था, तभी मैं स्टूडियो में पहुंचा, तभी मेरे ध्यान में आया कि मैं यहाँ आके गया हूँ। वो याद मुझे बराबर है कि मैं भी एक दिन उधर स्टूडियो में जब काम चालू था तभी गया था। और वो जो बात है कि बाबा ने दर्शन तालीम जी को दिया था वो सच है। वो कैसे हुआ कि एक बार से तालीम जी ने पिताजी से पूछा कि डॉक्टर साहब आपने बाबा का चेहरा देखा है, चेहरे में दो फीचर मेन है, आंख और नाक, आप बता सकते हैं क्या कि बाबा जी का ना साईं बाबा का नाक कैसा था, नोज कैसा था और आंखें कैसी थी। तो पिताजी बोले मैं 12 साल का था, मुझे याद नहीं कैसे आप बताना, लेकिन आपको बाबा दर्शन दे गए। और वैसे ही हुआ कि बाबा ने उनको दर्शन दे के उनके ध्यान में आ गया बाबा का चेहरा कैसे बनाने का, और उनके हाथ से वो बड़ा बाबा का बाबा की मूर्ति बनाई गई। जब ये बहुत मालूम पड़ी तो पिताजी गए थे, तभी उन्होंने पूछा कि क्या हो बाली क्या हो गया, तो उन्हें बताया ऐसे ऐसे बाबा का मेरा दर्शन हो गया। तो पिताजी बोले नहीं ना अभी क्या, अभी तुम निरंजन लाओ। और वो निरंजन लेके पिताजी ने अभी आरती की, अभी क्या अभी ये स्टैचू की आरती करो, ये मूर्ति की आरती करो, आपको बाबा ने साक्षात दर्शन दे दिया है। और तभी बाबा की आरती वहां पहली की गई थी। उसके बाद में क्या हुआ कि जो प्राण प्रतिष्ठा का जो निकला काम कि ये प्राण प्रतिष्ठा कैसे करे, जब भी कोई भी मूर्ति की स्थापना होती है तो उसके पहले रिचुअल्स करने पड़ते हैं, पूजा हवन विवन करना पड़ता है जमीन पे, और फिर वो मूर्ति की स्थापना हो जाती है। वो टाइम में पिताजी प्रेसिडेंट थे और पिताजी के साथ में और कुछ मेंबर्स थे, देव मामले थे, तो उनको लगे हमारे हाथ से हो जाए, तो सब जो ने ना बोला हम करेंगे। तो पिताजी बोले आपने कमिटी में झगड़ा नहीं होना चाहिए, जिसको जिसकी इच्छा है सब नाम दे दे, और जिसका नाम आ जाए क्या हुआ। जब मुझे याद है मैं भी वो फंक्शन में वो टाइम में गया था, हम यहाँ से कुरला से करीब 16 ब्राह्मण लेके बस में से अटगांव के उधर हमारा बस का टायर पंचर हो गया। उसमें वे 16 ब्राह्मण थे और बहुत से रिलेटिव्स थे, तो थोड़ा हमको पहुंचने के लिए देर हो गया। शिरडी में हम शाम को पहुंचे और सब लोग शिरडी में राह देख रहे थे, अभी तक डॉक्टर साहब नहीं आए, ब्राह्मण लोग नहीं आए, कैसे हो जाएगा। इतने में हम लोग वहां पहुंचे, तभी देव थे उनका भी मिसेज भी थी, सब वो अपने गहने बिने डाल के रेडी थी कि अभी हम ये पूजा हम करेंगे। तो मेरी माँ ने बोला पिताजी से, देखो इतना उनका हाउस है, उनको करने का तो उनको करने दो। तो पिताजी बोले नहीं नहीं, ये जो काम बाबा ने मेरा नाम लिया है तो ये काम मुझे करना चाहिए। और फिर उनको बोला कि उनको भी हाउस है तो उनको एक पूजा करने के देंगे, तो उन्होंने भी वहाँ पूजा किया और ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्य हो गया। उसके बाद में शरणानंद जी ने जो मूर्ति के ऊपर जो पर्दा था वो पर्दा अनवेल करके बाबा की मूर्ति सब लोगों के दर्शन के लिए खुली कर दी, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए वहाँ रिचुअल्स करने पड़ते, होम हवन करना पड़ता है, और उसके लिए कोई एक कपल बैठना पड़ता है, वो काम हमारे पिताजी से हो गया। हाँ, वो प्रेसिडेंट है और उनके हाथ में पूरी पावर थी, वो उसका नाम उधर बाहर लिख सकते थे, लेकिन जो भक्त लोग हैं वो नाम के लिए नहीं होते, क्योंकि कैसी बात होगी। बहुत साल के बाद में हमारे घर में मेरी बड़ी बहन सबको बोलती थी कि वो प्राण प्रतिष्ठा मेरे माता पिताजी ने किया है, तो बोलते उनका नाम किधर है। तो पिता माँ ने बहन ने मेरे पिताजी से बोला कि आपने प्राण प्रतिष्ठा किया ठीक है, लेकिन लोग बोलते उनका नाम नहीं है। तो पिताजी बोले प्राण प्रतिष्ठा मैंने नहीं किया, प्राण प्रतिष्ठा मुझसे साईं बाबा ने करवाया है, मुझे नहीं किया है, अगर साईं बाबा ने करवाया है तो मैं मेरा नाम क्यों लिखूं। ये आंसर मेरे पिताजी से मुझसे निकला। ये भक्ति होती है, जैसे देखो
तरखड़ के स्टोरी में भाऊ जी पाव चे प्रे थे पिता साई बाबा के, तो भाऊ बोले साई बाबा बोले भाऊ तूने अब तक मुझसे कुछ मांगा नहीं, तुझे मांग क्या चाहिए? तो तभी भाऊ ने जो भक्त की रूप से बोला कि मुझे कुछ नहीं, जन्म जन्म का साथ मुझे चाहिए, भाऊ ने साई बाबा से मांगा। ये ऐसे भक्त लोग बाबा के साथ में थे और ऐसी वो भक्ति होती थी। ये हम समझना चाहिए कि हम लोग भक्ति करते कुछ मांगने के लिए करते, गाड़ी दो बंगला दो ये दो, लेकिन अगर भक्ति ऐसी हो गई तो आपको कुछ करना नहीं पड़ता है। क्योंकि आपको मजाक होगा कि कृष्ण को पूछा था कि तुझे कौन से भक्त अच्छे लगते हैं, तो कृष्ण ने बोला मुझे मांगने वाले भक्त अच्छे लगते हैं। तो बोला क्यों मांगने वाले अच्छे क्यों लगते हैं? तो कृष्ण बोला जो मांगने वाले उसको दे दिया तो फिर उसके पास मेरे को ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मेरा जो भक्त है मुझसे कुछ मांगता है नहीं उसके पास मेरे को 24 घंटा ध्यान देना पड़ता है। ये भक्त और भगवान की भक्ति होती है। That's good, Saina. Very, very good. Acha, and for all, I think he was referring to Dev Baba. And Dev Baba is Hemantpan's grandson. I'm trying to figure out his daughter's son. And when Dev Baba was born, he had when his daughter left, when the son was given to Hemantpan's daughter, she didn't want to take him for some reason. Something happened, and she for some reason. And then when Dev Baba was taken to Baba Shirdi Baba Sai Baba, he actually put his thumb into his mouth, and as if the milk came into his mouth. So Dev Baba was also a very divine soul. He actually did lot of, he was a great devotee of Baba, and he is also the guru of Saina Ji Gavankar Ji here, right? They have been associated with Dev Baba a lot. There are a lot of stories of Dev Baba we can hear in future sessions. So Gavankar Ji, would you like to share with us now and devotees the stories behind Baba portrait? But before you do that, I wanted to, why don't you go ahead and I will share some pictures of Anna Sahib Gavankar Ji in 1950s when he was in Shirdi. Why don't you start with, stories behind Baba's portrait, Sri Ram idol and Ganpati Ji. So we'll start with the portrait, how that portrait came to our house. उस जमाने में मेरे पिताजी काला चौक की एरिया में उनका दवा खाना था, और उसके बाजू में प्रसिद्ध जो मूर्तिकार थे चित्रकार थे मधुसूदन कांबळी, जिन्होंने पहला राजा का लालबाग का राजा का गणपति बनाया था, उनका स्टूडियो था। अभी उनका थर्ड जनरेशन वो काम चालू है उनका, तो उन्होंने बाबा का पेंटिंग अपने स्टूडियो में बना के रखा था, और पेंटिंग बना के बाद में वो ऐसे थे, तभी उनके सपने में बाबा आ गया, बोले ये तू मेरा चित्र बना दिया है और ऐसे बाजू के जगह में एक डॉक्टर है उसको जाके तू दे दे करके। तो वो पेंटिंग लेके मेरे पिताजी के दवाखाने में आ गए। पिताजी ने देखा बाबा का पेंटिंग है, इतने बहुत बड़ा पेंटर है, तो पिताजी बोले मेरे पास इतने पैसे नहीं खरीदने के लिए, इतना आपको मैं पैसा दे नहीं सकता, आप लेके जाओ। तो वो बोले नहीं डॉक्टर साहब, बाबा ने मुझे बोला ये पेंटिंग आपको देना है, कुछ भी करो मैं पेंटिंग हाई रख के चला जाऊंगा। तो उन्होंने दवाखाने में वो पेंटिंग रखा और वो चले गए। 5-6 दिन हो गए तो पिताजी बोले कुछ भरोसा नहीं, आदमी आके हम फ्रेम करेंगे खर्चा करेंगे और ये आदमी वापस लेके जाएगा। तो पिताजी ने वैसा ही रखा था, तो उनको बाबा ने बोला जा वापस, तो उसके पास बोल के आ। तो मधुसूदन कांबळी पिताजी के दवाखाने में आए, बोले पिता डॉक्टर साहब आपने पेंटिंग को फ्रेम नहीं किया। तो डॉक्टर पिताजी बोले मेरा भरोसा नहीं आपके ऊपर क्या होगा। तो बोले नहीं नहीं मुझे एक पैसा भी इसका देना नहीं, बाबा की ऑर्डर है आपको एक फोटो बाबा का पेंटिंग लेना ही है, और इस वजह से वो बाबा का पेंटिंग हमारे घर में आ गया। दूसरी बात है कि गणपति का जो है, तो जब भी पिताजी 12 साल के थे और शिरडी में पहुंचे थे, तभी वहां दाभोलकर जी थे, माधवराव देशपांडे जी थे, तो बाबू जी ने हेमंतपंत साहिबा से पूछा था इस जमाने में गणपति मिलता है क्या। तो बाबा बोले मिलता है।
तो तभी ये सुना था पिताजी ने, और फिर माधव इसने बोला, किसने, माधव देशपांडे ने सुना और बोले, बाबा देवा तू क्या बोलता है कि ये जमाने में गणपति मिलता है? तो बाबा ने बोले, अगर तुम नियमित सेवा करेंगे तो उसका तुमको मिल जाएगा। ये सुनने के बाद में क्या हुआ कि दूसरी बात ऐसी हुई कि पिताजी के गुरु थे वो गणेश भक्त थे, और उनकी भी एक स्टोरी है। वो 1914 में 2 रुपया दक्षिणा लेके बाबा के पास गए थे। उन्होंने 2 रुपया दक्षिणा बाबा को दी थी, तभी बाबा ने उनको बोला था कि तेरे पास मैं एक लड़का भेजूंगा, उसको तू तैयार कर। ये बात बाबा की और गणेश भक्त त्र्यंबक गुप्त सामंत की भाव महाराज की हुई थी। उसके बाद में 1939 के समथिंग दैट टाइम पिताजी लालबाग एरिया में रहते थे, तभी उनके सपने में बाबा ने बोला मैं कुरला में हूँ। जब भी पिताजी के ध्यान में आया कि कुरला में, बाबा बोले मैं कुरला में हूँ, तो उन्होंने कुरला जाना शुरू किया। 3 बार वो कुरला गए। पहली बार गए तो वहाँ कोई साई मंदिर भी नहीं था, फिर बोले कोई साई भक्त होगा तो वहाँ साई भक्त भी नहीं था। सेकंड बार भी उन्होंने सर्च किया तो कुरला एरिया में कुछ साई भक्त के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। इसी बार उनके साथ में आबा मसूरेकर करके उनके भक्त साई भक्त थे, वो तीनों दोनों चले गए। देखे गए तो वहाँ साई भक्त मंदिर भी नहीं है, साई भक्त भी नहीं है। तो उसके सामने उनका मालूम पड़ा कोई एक संत पुरुष रहता है। तो मसूरेकर बोले, डॉक्टर हम इधर आए हैं तो अभी वो संत पुरुष का दर्शन करके चले जाएंगे। ऐसे सोचकर दोनों जन वो रूम में गए। जैसे दोनों जन अंदर रूम में एंटर हुए तो भाऊ महाराज सामने बैठे थे। उन्होंने मेरे पिताजी से कॉन्टैक्ट किया, बोला अरे तेरा साई बाबा इधर ही है, और बोले तू मुझे मुझमें साई बाबा देख। और ऐसे करके उन्होंने उसको पिताजी को गुरु मंत्र दिया, और पिताजी का स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट उनके अंडर चालू हो गया। तो उन्होंने क्या किया कि जब ये गणपति का था ये था, तो वो पिताजी को लेके मोरगांव गए थे। मोरगांव से उन्होंने एक पौधा लाया, मांदा वृक्ष का छोटा पौधा लाया, और वो पौधा लाके हमारे बालकनी में एक पॉइस में रखा, और पिताजी डेली उठकर उसको ऊपर पूजा करते थे और अभिषेक करते थे। तो ऐसे डेली करने के बाद में 21 साल के बाद में वो पौधा बड़ा हुआ था, और पौधे के बैक बेसल साइड में एक आकार पैदा हुआ, गणपति का जैसा आकार पैदा हुआ। और पूजा पिताजी पूजा करते करते वो अपने से बाहर निकल आया, पिताजी ने अपने हाथ में लिया और फिर हमारे घर में रख लिया। वो ऐसा गणपति का आगमन हमारे घर में हो गया। अच्छा गवनका जी एक मिनट, lot of people, let me share this thing. I just created a slide. So these can, if you all can see, hold on 1 minute. Okay, so this is the slide. You can see Gavankar ji is here, Dr. Gavankar ji in 1950s. और साथ में कौन है अन्ना साहिब के साथ? साथ में जो एक साइड में चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, और दूसरे साइड में कोर्ट रिसीवर है शिरडी संस्थान के। ओके, ये आपकी कुरला चौल है राइट? ये कुरला नहीं नहीं नहीं, शिरडी संस्थान की जगह, शिरडी का जगह है। ओ ग्रेट ग्रेट, शिरडी में मंदिर के सामने का पैसेज था उसमें का। Okay, let me move to the next one. अच्छा, इसके बारे में बताइए। हाँ, ये जो है ये कुरला का जगह फोटो है, जो दे रहे वो मोहते बाबा करके आए। उनका वर्ली में साई बाबा मंदिर था, और वो बाबा के बहुत बड़े भक्त थे, और वो उनको पिताजी ने घर में बुला के कुछ भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए बोला था। उनका भी एक स्टोरी है उनका इसके बारे में। ओके okay. ये जो मेरे पिताजी साहिब और बाजू में जो बैठे हैं वो विजू बाबा करके है। वो विजू बाबा नागपुर के एक बड़े संत थे, साई बाबा के बहुत भक्त थे, और नागपुर में साई बाबा का मंदिर बनवाया है। और बाजू में मेरे पिताजी बैठे, और साई बाबा का प्रवचन वहाँ कोजागरी पूर्णिमा का फंक्शन में वो चालू था प्रोग्राम। ओके okay. ये दिस इज द गणपति गवनकर जी वॉज रेफरिंग टू, विच इज राइट ऑपोजिट द डोर विच ही गॉट इन द डिस्पेंसरी व्हेन समबडी केम एंड ही वांटेड। डिड यू शेयर दैट स्टोरी गवनकर जी येट? या
Yeah. So somebody was in the distance. This is the Baba's portrait and it's in the Gavankaji's house. Okay. All right. And, you know, Gavankaji, I wanted to share with everyone. This is all Baba's close devotees. You will hear next session, next time, you know, with Tarkhanji, he's going to come back, like he said. The last moments of all Baba's close devotees, be Jyotinder Tarkhan, Nana Sahib Nimonkar, and Gavankarji is going to share with you, Anna Sahib Gavankar, how his last moments were. For example, I won't steal the thunder, but next time we'll ask Tarkhanji to share. When Jyotinder Tarkhanji was in the hospital, his last moment, he said, "Oh, I can see Baba. He's taking me. And same thing with Nana Sahib Nimonkar. He will say everything in everyone. He will see Baba. Oh, Baba has come. This now Gavankar, you hear from Sainath Gavankarji about how were the last moments of Anna Sahib Gavankar. They were really, amazing to see that Baba has really come into that. So Gavankarji, can you share Anna Sahib last moments, and which year was that when he left his soul? Yeah, definitely. It was 1985. And we were seven brothers and two sisters. Of the seven brothers, three were in Gulf countries and two were in Pune and one was in Gujarat area, and I was staying with my father. So it was Sunday evening, we came from outside. हम बाहर से आ गए और साथ में खाना खाया. इतने बाद में वो चार सिस्टम में कॉमन टॉयलेट था, तो पिताजी बैक साइड में गए तो उनको थोड़ा सा तकलीफ हुआ, थोड़ा ब्रीदलेसनेस हुआ. तो मैंने देखा, उनको लाया, कॉट पे सुला दिया, एक इंजेक्शन दे दिया. और नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैंने फिजिशियन को बुला लिया. MD फिजिशियन वो आ गए, उन्होंने उनको एग्जामिन किया, बोले नथिंग टू वरी, उनको थोड़ा अस्थमा का अटैक आ गया है, तो ये तू टैबलेट चालू रख, ही विल बी बेटर. अगेन ऑन वेनेसडे, दो दिन के बाद में वापस रिपीट किया, डॉक्टर आ गए, उन्होंने री एग्जामिन किया पिताजी को, बोले नहीं ठीक है, ही इज इम्प्रूविंग. टिल देन ही वॉज ऑल्सो वर्किंग, ही वॉज वर्किंग विद द यस एस स्कीम ओनली, ही वॉज साइनिंग, आई वॉज डूइंग ऑल द वर्क एंड पेपर वर्क, एंड ही वॉज यूज टू साइन दैट पेपर्स. It was Thursday morning, and at about 5 o'clock, there were six rooms, three double rooms. I was sleeping in the bedroom, and my father woke up, उठ गए और कुछ चिल्लाने बताने लगे, बहके बातें करने लगे. He was in delirium. तो मेरे माँ ने सुना और मुझे उठा दिया, देख पिताजी कैसे बातें करते हैं. तो मैं आके देखा, उनके साथ बाजू में बैठा, तो ऐसे ऐसे बातें करते. तो मैं बोला, उनको मेडिसिन का कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, उनको नींद नहीं मिली होगी तभी ऐसे बातें करते. और फिर तभी वो माँ को बोले कि वो बड़ा भाई मेरा कुवैत में रहता था, वो देखो भाई खड़ा है, बड़ा लेटा लड़का सामने खड़ा है, वो आ गया है. तो माँ बोली, किधर है, आपको कैसे दिखता है? तो हंस गए और फिर वो सो गए. अगेन एट अबाउट 11 o'clock, 11 बजे मैं दवाखाने में बैठा था, बाजू को रूम में साईं बाबा का फोटो और बाजू में पिताजी बेड पे सोए थे. वो वापस उठे और बातें करने लगे. माँ ने वापस मुझे बुला लिया, मैंने देखा, मैंने डॉक्टर अर्गीकर MD फिजिशियन कुरला में, वो भी स्पिरिचुअल है, उनको बुला लिया, बोला कि डॉक्टर आ जाओ, जल्दी आ जाओ, पिताजी कुछ कुछ बातें करते हैं. तो डॉक्टर ने अपना कंसल्टिंग रूम इमिडिएटली बंद किया और वो भी हमारे घर पे पहुंचे. कॉट पे पिताजी बैठे थे, कॉट के कॉर्नर में मैं बैठा, मैंने कुर्सी के सामने रखी और कुर्सी पे डॉक्टर अर्गीकर बैठे थे, और ही वॉज सिटिंग स्ट्रेट एकदम ऐसे बैठे थे और बातें करने लगे कि मुझे कुछ सब कुछ दिखता है, मैं देर आर सेवन लेयर, सात स्तर है. और फिर डॉक्टर को बोले, मुझे मेरा बीज मंत्र पूछा, कुछ पुराण की बातें पूछी, ऐसे बातें मैंने सुनी जो पिताजी ने बात किया मेरे कान में है कि मेरे मुझे बीज मंत्र पूछा करके, देर आर सेवन लेयर्स. फिर डॉक्टर क्या बोले, तू बाहर आ जा. बालकनी में लेके गए और बोले, देख ये स्पिरिचुअल पर्सन है, उनका हम कुछ बोल नहीं सकते क्या होगा कैसे होगा, लेकिन अगर तू होगा तो कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम कर दे. लेकिन पूरे डॉक्टर चले गए, तब मेरे दो सिस्टर चेंबूर एरिया में रहते, उनको फोन करके बोला कि ऐसी ऐसी तबियत है,
तो दोनों सिस्टर्स घर पे आ गए, मेरे दोनों उनके दोनों जामा कुर्ला में आ गए, उनके ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर भी आ गए, सब सामने बैठे थे, बातें बातें करते थे। तो बातें करते करते उनके ध्यान में आ गए कि दोनों जामात सामने हैं। तो उन्होंने माँ को पूछा, कुछ जो धोती है कुछ आए है क्या मेरे पास, आए क्या? तो माँ ने बोला है दो धोती है। तो बोला लेके आओ, अगले महीने में अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास है, तो दोनों धोती दोनों जामात को देना। और ऐसे करके उन्होंने वो बात खत्म कर दी। फिर अब सब लोग चले गए। मैंने बोला अन्ना आपको पिक्चर देखने आए तो वीडियो पे लगा था। बोले नहीं नहीं मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं है। और वो गुरुवार का दिन चला गया। नेक्स्ट डे फ्राइडे था। फ्राइडे में फिर वो ठीक थे, तो मैं आपको कुछ टाइम पास नहीं होता कुछ पिक्चर लगाता हो, वो भी बैठे। देन थर्ड डे सैटरडे मॉर्निंग आषाढ़ी एकादशी थी। आषाढ़ी एकादशी थी तो बहुत से लोग दर्शन के लिए आते थे। दर्शन के लिए आते थे तो हमारे यहाँ सहस्त्र बुद्धे मैडम आती थी, पिताजी की शिष्या थी, और उन्होंने 12 साल कोजागिरी को शिरडी मंदिर में कीर्तन किया था। तो आषाढ़ी एकादशी है समझ के वो हमारे घर पे आ गई और पिताजी को बोले आज आषाढ़ी एकादशी है, विठ्ठल के दर्शन के लिए मैं आई हूँ। तभी पिताजी उनको बोले अगर तेरा विठ्ठल इधर ही है, ऐसे बात पिता ने किया। वो चली गई। दोपहर में मेरी भाभी पुना से आई थी, वो बोली कि अन्ना पुना की हवा बहुत ठीक है, दस्तमा के लिए ठीक है, आप पुना ठीक हो गए तो पुना चलो, आप उसको आराम मिलेगा। तो हंसे और बोले मेरा बंगला बन के हो गया, साई बाबा मेरा बंगला बना है। वो साई बाबा मेरा बंगला बना, ये बात उन्होंने डॉक्टर अभिक्र से किया था गुरुवार को। और दो दिन के बाद में भाभी से बोला मेरा बंगला बन चुका है। वो शाम हो गई, शनिवार था, आषाढ़ एकादशी थी। शाम को मेरी माँ बाबा के फोटो के सामने बाबा की आरती करती कर रही थी। तभी वो बाबा की आरती करते करते वो आपको मालूम होगा एक कड़वा में जया मनी जैसा भाव तया तैसा अनुभव, ये जो स्टांजा आ गया। तभी उन्होंने वो ध्यान से बोला, सबसे बोले देखो ये ध्यान में रखो, मैं इसके लिए पॉइंट आउट करता हूँ कि थ्रू आउट द 80 ईयर्स ऑफ भक्ति, उन्होंने एक साल एक छोटे शब्द में उन्होंने बता दिया कि जया मनी जैसा भाव तया तैसा अनुभव। इसका मतलब क्या है कि हमारे मन के भाव बहुत अच्छे होने चाहिए, कभी बुरे भाव किसी के बारे में किसके साथ बुरे भाव होने नहीं चाहिए। जैसे हम हमारे मन में भाव है वैसा अनुभव हमको होने वाला है, ये बाबा के आरती में लिखा है और वही मेरे पिताजी ने पॉइंट आउट किया था। वो टाइम में हम सब लोग पिताजी के सामने बैठे थे, मेरी मिसेज थी, मेरी छोटी भाभी थी। तो बोले कि दो दिन के बाद गुरु पूर्णिमा आ रही है, तो गुरु पूर्णिमा को बहुत लोग आ जाएंगे, तो सबको लड्डू बांटना। ऐसे शो करने के बाद में मेरे मिसेस को बोले कि तो मैं मिसेस क्या बोली, छोटी जो बहू है वो दादर से आती है, उसको पैसे दे दो, वहां से लड्डू लेके आएंगी। और फिर बातें करते करते बोले हंसने लगे, देखो वारकरी लोग खड़े है, आपको मालूम है वारकरी कैसे होते हैं, जो आषाढ़ी एकादशी की वारी करते हैं पंढरपुर जाते हैं, तो उनको दिख रहा था कि वारकरी लोग खड़े है। हम सो हंसने लगे, इनको कैसे दिखता है, हमको क्यों नहीं दिखता है? तो बोले तुम्हारे पीछे सब वारकरी लोग आ रहे, उनको सबको खाना खिलाओ। और बोले देखो घर में चावल है कि नहीं है, अगर नहीं होगा तो मैं पैसा देता हूँ, घर में चावल भर के रखो। फिर भी हमारे समझ में नहीं आता कि ऐसे क्या बातें करते हैं। फिर करीब 9:30-9 बजे सब लोग चले गए और मैं भी दूसरे दवाखाने में गया। करीब 9:15 के टाइम में उनको बैक पेन था, खाली एक पंचा जो है उन्होंने अपने लपेट के रखा था और उनको बैक पेन हो रहा था। तो उन्होंने मेरे माँ को बोला मेरे पीछे दर्द हो रहा है, मलम लगाती है क्या? तो माँ बोले नहीं। फिर बड़े भाभी को बोला तो वो भी नहीं बोले। फिर मेरे मिसेस को बोला तो बोले हाँ मैं लगाती हूँ। और फिर मिसेस जाके मिसेस ने उनको पीठ को पीछे मलम लगा लिया। तभी वो ही वॉज इन कम्प्लीट नेकेड पोजिशन, फिर भी उनके मन में कुछ आया नहीं। और फिर उन्होंने करीब 9:15 बजे उनको यूरिन हुआ, तो यूरिन पॉट रखा था, वो कूद के खड़े हो गए, उसमें यूरिन किया और जो एक पंचा उन्होंने अपना बाजू में रखा था, गुंडा रखा था, वो पूरा निकाल दिया और वो बेड पे गिर पड़े। कभी किसी के ध्यान में नहीं है कि उनका साथ चला गया है। देखो कि ये संत लोगों की कैसी परंपरा है, जैसे आया वैसे गया, शरीर पे एक भी कपड़ा उनके साथ में नहीं था। ये बात मैंने अनुभव किया है। और उसी टाइम में क्या हुआ कि मेरा बड़ा भाई जो कुवैत में था, उसको मन में कुछ ऐसे होने लगा कि कुछ ना कुछ खराब बात आने वाली है, और इतने फोन आ गया। वो जब भी फोन आया तो उसको फ्रेंड को बोले वो बात बराबर नहीं हो गई, और वैसी बात उनको मिली, पिताजी का देहांत हुआ है करके। तो जैसे बाबा के भक्त एकादशी को गए, वैसे मेरे पिताजी वे आषाढ़ी एकादशी को वैकुंठवासी हो गए।
मुझे लगता है कि उसी टाइम में ऐसा रासनी जी का भी ध्यान तो शिरडी में हुआ था, वो एक सेम एकादशी में। गवनकर जी, यू आर टॉक मेंशनिंग अबाउट सेवन लेयर्स दैट यू नो गवनकर जी, सेवन लेयर्स, व्हाट आर दोस सेवन लेयर्स ही सॉ, कैन यू एलाबोरेट? No, I don't know about, but I heard that there are seven layers, seven star. We hear, no, there are seven star. Yes, or yes. So this is great. So I wanted to share with everyone another thing what Gavankar ji shared, that his brother got something in Kuwait, that something has happened. Similarly happened when Baba left his body on October 15th. Right, in 1918, there were many people who got telepathic messages, and we'll ask Tarkhanji next session. Tarkhanji will share with you. You know, Jyotinder, they have a club of bridge game. Tarkhanji was telling me. So, you know, Dikshit ji and others, and there was one person, you know, Mureshwar Pradhan also. So he used to, you know, he went to Shirdi Baba, and Baba fixed his asthma. On that day, October 15th, 1918, he got the asthma attack also. And he called Tarkhanji and said, oh, aapke Sai Baba ne to kaha tha mera theek ho gaya, aap kya? But actually, that was a message that something has you know, I'm leaving. Another thing, when Dikshit ji left his body in the train, when Dikshit ji left this world, you know, it is said that the neem tree or some branch in near Dwarka Mai, that left there. So all, like, I exactly echo with Gavankar ji, you know, when these saints leave, they send telepathic messages to their devotees that something has happened. So I think we are almost in an hour, but I wanted to share few, if I know Gavankar, you must be very tired, but I wanted to share something with devotees again. This is the Ganpati idol that he found under the mandar tree. Mandar. Right? This is they found. And next week, same time, we are going to have these sessions every Saturday, same time. We're going to call Tarkhanji again because there are many more stories, you know, with Tarkhanji. But before we leave for the day, I wanted to share, and I share with you, there is very little known about Shyamaji. Okay, Shamya, how Baba used to call. And I'm not very versed in Marathi, but Gavankar ji, Tarkhan ji, they can say. So nobody, you know, Anna Sahib Gavankar ji held the kafni, Shama held the kafni for Anna Sahib Gavankar ji for 30 years or what, how many years, and he gave it. And Anna Sahib Gavankar had a long association with Shamya, right? So, would you like, and this is what you are seeing on the screen is Shama and his house. If you had gone to Shirdi, you will see this is the same house where it's mentioned in the Satcharita that Hemant Pant was sent there by Baba Ja, Shama ke baad ja aur usse achhi kahaniyan sun ke aa. Wo yahi ghar hai jahan par he was sitting there. Shama andar paan banaya aur usne कहानी बाबा की बताई थी. सो अन्ना साहिब गवनकर यूज्ड टू स्टे हियर इन दिस हाउस विद श्यामा. सो गवनकर जी, वुड यू शेयर सम स्टोरीज विद अबाउट श्यामा, व्हाट ही शेयर्ड विद डॉक्टर साहिब? या मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी जब भी शिरडी जाते थे तो श्यामा के साथ में घर में रहते थे और पूरी बातें बाबा के बारे में श्यामा के मुंह से सुनते थे. और एक बार उन्हें ऐसा ही सुना, श्यामा ने उनको बोला, श्यामा उनके सामने रोने लगे, बोले, डॉक्टर मैं समझ में नहीं आया कि मैं भगवान से साथ में रहता था, उनसे मैं बहुत कुछ गाली दिया, उनको कुछ भी उल्टा पुल्टा बोला, झगड़ा किया, और फिर रोने लगे कि मैंने उनसे कैसे कैसे बातें किए, और ऐसा भगवान वापस कभी होने वाला नहीं, किसी को मिलने वाला नहीं, और उन्होंने रोना चालू कर दिया. वो बाबा का जो और श्यामा का जो भक्ति थी वो कृष्ण सुदामा जैसी थी. जैसे कृष्ण और सुदामा की भक्ति थी वैसे ही श्यामा और बाबा की भक्ति थी. सुदामा वैसे रहा वैसा, बाबा ने श्यामा को कुछ नहीं दिया. श्यामा बोले, मैं सबको दिया है, तुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन तुझे जो दूंगा वो किसको नहीं दूंगा, ऐसे बातें बाबा ने श्यामा से कही थी. एंड another थिंग आई wanted टू शेयर, यू नो, ऑल दिस थिंग्स यू कैन सी, यू नो, देयर इज अ बुक
Let me see. Hold on. So this is the book that Anna Sahib Gavankar ji wrote. Okay, it was in Marathi, and Dr. Sainath Gavankar ji translated in Hindi. In English, right? And what we are gonna do is we're gonna work out to put this on Amazon so that all of you guys can make use of it. Really, these are like this is like you know, golden things. There are, you know, there is such Satchitra, then there is Narasimha Saraswati's. He interviewed all the devotees. It was in English, but there, these, this is also a book where Anna Sai wrote. He wrote three books. One is Shildi, which is with Sansan. Another is Shirdi ke Sai Baba. It was in Marathi. He Sainaji translated. We'll put it on Amazon. And also, Shekharji has already shared the link. You have shared the link, Shekharji, with all about the Tarkhanji's book. And I talked to Tarkhanji this morning. He was saying that he is going to create a digital copy with all the pictures, and we will share with you all the devotees next time or whenever it's done after the lockdown is over. Sure. So before Gavankarji, you know, I know it is already one more than an hour. I just want to ask you one question about the, in your, you know, I think you wrote in the book also. We all heard about the Triloka, like Kailash and Vishnulok and Brahmalok. And Shama had got an experience question about that Trilokas existence, and Baba clarified that. So could you please elaborate on that? Yeah, yeah, that is the thing. When Shama asked Baba about the Trilok, Baba told him, close your eyes, aap aankh band kar do, aur Baba Shama ji ko teen logo dikha ke aaye the. वो बुक में पिताजी ने लिखे है कि श्यामा जी को तीनों लोक का दर्शन बाबा करवा के आए थे। Yeah, I mean, in the story, I think you much elaborated in the book, you know, explaining, you know, when he closed his eyes and he could see Lord Shiva and all, and you know, Lord Vishnu resting on the Seshnag. Yeah. And similarly, Brahmalok also he saw. So that was a doubt of Shama, and whether this is a mythological stories or really they exist. And a similar story also we read about, you know, whether Rama happened or not. And, you know, Shama was questioning him, you know, Baba, you know, did it really happen? And that all these goddess monkeys and all monkeys went there to fight with Ravan. And, you know, Shama was questioning Baba. Baba said, yes. Then Baba, you know, Shama was asking, you know, as if you know everything, how can you say that? Then Baba said, you know, yes, it is. It really happened. And they, all the monkeys are in a station on the different trees. And like the crore lakhs of them. And, you know, you want to talk about that or, you know, it is too late? Yeah, I think it's too late. We have been listening. We, you know, we can keep this thing forever. But I think it's very divine. Gavankarji, thank you for coming here. We'll call you again. And to all the Sai devotees, I'm sure you made full yourself. There's a lot of messages coming. And I would say, you know, either reach out to Shekharji or me. Shekharji, put the message. Shekharji, do you want to put your US number? And I'm going to put again my number. You can WhatsApp me either on this number, and we'll add you on the group where you can get the future notifications for all these sessions. Like I said, next week we'll have again Tarkhanji. And another thing I want to share with you, I am trying to get, you know, Baba. When Baba left his body, the langot he wore, you know, that's with Pillav Guravji. Pillav Guravji was also, you know, he was the treasurer in Sanstan. His daughter is there in Shirdi. I'm trying to see if we can get her on the phone with their way. You all can take darshan of that langot. It's, you know, it will be really blessed. And there are a lot of other stuff. So please WhatsApp me or Shekharji, and we'll add you to the group, and we'll keep going with Baba's blessings. Okay, ji. Okay, okay. Sai Ram ji, everyone. Sai Ram, all. Yeah, Sai Ram, Sai Ram, Shekharji, Puneet ji. We'll see next week, all of you guys. Thank you very much. Thank you, Gavankarji, Sai Ram. Sai Ram, Sai Ram, Shekharji, huh? Sai Ram. Okay. Sai Ram.